अबू आपने ढाबे देखे होंगे हाईवे पे जाते हुए, नॉर्मली ढाबा स्टाइल होटल्स देखे होंगे, कच्चे लकड़ी की छतों वाले जो होते हैं। और मैं हमने वीडियो में भी देखा राजस्थान में इधर उधर एक दो ढाबे वगैरह देखे, लेकिन मैं आज आपको एक रोड साइड के ऊपर एक ऐसा ढाबा दिखाऊंगा जो एक माँ और एक बेटा मिलके चलाते हैं। और चलाते क्या है, उसको भगाते हैं। वो ऐसा चलता है कि अवाम का जो रश है उनके ऊपर से खत्म नहीं होता है। अच्छा, और उनके पास पता नहीं कौन सा टेस्ट है, कैसा माँ प्यार और माँ मोहब्बत है। माँ और बेटा है ना, माँ का टेस्ट होगा। बस तो हाँ वो इसी वजह से शायद जो है वो चल रहा है वहां पे, काम उनका बेहतरीन, उनके खानों में माँ के हाथ के जायके और बेटे की साथ में मोहब्बत और मेहनत, तो मेहनत वो चीजें जो है उनको चला रही हैं। सही। तो बहरहाल वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मेरा नाम है वकास, मेरा नाम है मोहम्मद सदीक और तो मैं हूँ मिसेस वकास। लेकर हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो। तो उसको स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन ऑन ऑन कर कर लें। इसके लें। अलावा जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका लिंक, हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना ना भूलें। भूलें। तो वीडियो का टाइटल है जी लग्जरी 70, माँ बेटे का शुद्ध देसी रोड साइड ढाबा। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ये वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। जिस जगह भी आपको ले आना, ये बोला जाता है कि शहर की सबसे बेस्ट लंच की जगह। तो घर जैसा माहौल है, पूरी फैमिली मिलके चला रही है। सर राम राम जी। राम राम भैया। सर क्या हाल चाल है? बस बढ़िया, आप बताइए। सबसे पहले भैया नाम बताओ अपना। भैया मेरा नाम दीपित है। तो दीपित भैया मैं देख रहा हूँ जो माहौल है लंच का, यहाँ पे इतना प्यार दे रहे आपको शहर वाले, पीछे लोग आ रहे खा रहे, क्या क्या आइटम रहती है अपने पास? अपने पास एक तरीके से सारी आइटम ही मिल जाएंगे आपको। क्या क्या भटूरे से लेके मॉर्निंग में भटूरे हो गए, अपने पूरी छोले हो गए वो भी मिल जाएंगे, पराठे मिल जाएंगे तवे वाले तंदूरी वाले, बाकी न्यूट्री कुलचे चना कुलचा भी है, थालियाँ है अपनी, और पोर्शन के हिसाब से उसको सब्जी वगैरह चाहिए, कढ़ाई वगैरह, मतलब मान के चलो 20+ आइटम होगी अपने पास। 20+ जी। क्या बात है भाई, रोड के ऊपर ना पीछे पूरी बॉन मैरी लगी हुई है बड़ी, रोड के ऊपर इधर माते आपके मदर है। नमस्ते आंटी। तो आंटी यहाँ पे यार देखो घर का फुलका बना रहे हैं, तवा की रोटी एकदम बढ़िया, उधर तंदूर लगा हुआ है, तंदूरी रोटी भी बन रही है, पीछे कस्टमर एंजॉय कर रहे हैं। आज तवा रोटी वाला लड़का छुट्टी में था तो मम्मी बोलते मैं संभाल लेती। क्या बात है यार, तो मतलब आज रोटी ज्यादा स्वाद मिलेगी फिर। वो तो है भैया, माँ के हाथ की रोटी है। बहुत ही बढ़िया। तो देखो यार पूरी फैमिली मिलके, आपके फादर साहब भी यहीं पे होते हैं? हाँ, फादर साहब भी। वाह, तो पूरी फैमिली मिलके यार पूरा ढाबा चलाते हैं। भैया एक बार सब्जियां तो दिखाइए, मैंने थालियां सुनी है, थालियां बहुत कमाल की देते हो। आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भैया, आपको अब सब्जियां दिखाता हूँ। जी भैया दिखाइए। फेस्ट तो खत्म ही है आपका, अपडेट हो गया आज। तो भाई हम लेट आए हैं, ये अपने राजमा होते हैं, ये आगे जिस तरह राजमा है बिल्कुल एकदम, और ऑलमोस्ट खत्म ही है, इतना डब्बा होता है वो देख लो अपने हिसाब से। भैया अभी तो 1:30 बजे, 1:30 बजे ही खत्म सामान। जी भैया प्यार ही इतने लोगों का हमारे। क्या बात है, अपना कढ़ी पकौड़ा भैया, ये आ गया जी कढ़ी और पकौड़ा, और एकदम बढ़िया कढ़ी है यार, पंजाब भैया अपना स्टफ्ड है। ओके, आलू प्याज का स्टफ्ड पकौड़ा, आलू और प्याज का पकौड़ा रहता है जी। जी ये अपनी पेठे की सब्जी है तो खत्म ही है एक ही भाई, पेठे की सब्जी है, मेरे को तो लगता है एक ही कड़छी बची है, ये तो खुद ही खाओगे आप। जी भैया, और ये सामने राइस रखे हो भैया, राइस दिखाइए एक बार बासमती। ये भैया बासमती राइस है अपने। वाह, एक्चुअली ये भी खत्म हो गए तो फिर से बनवाए हैं। क्या बात है यार, बासमती राइस का ये सेकंड लॉट है। जी और कितनी टाइमिंग रहती है भैया, जैसे 1:30 बजे तो खत्म है? 7:30 बजे हम शुरू हो जाता है हमारा काम। ठीक है, और कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद हमारी जो इवनिंग की टाइमिंग है वो 2:30 बजे तक हमारे पास आधी से ज्यादा आइटमें खत्म हो जाती है। ओके, तो आज तो 1:30 बजे से 4 बजे तक हम होते हैं। अच्छा, अभी है थोड़ा थोड़ा खत्म होता जाएगा। तो मतलब भाई अगर आपको आधी से ज्यादा सामान खत्म हो, अगर आपको खाना ना खाना मैं तो यही गाइड करूंगा 1:30 बजे से पहले पहले आ जाओ यहाँ पे। ये अपने भैया चने हैं, बट ये आगे छोले, ये देखो भाई एकदम बढ़िया गाढ़े छोले, और प्याज लहसुन रहता भी है इसमें? जी भैया प्याज, प्याज लहसुन रहता है भाई, भटूरे के साथ भी चलेंगे, ये देखो अपने दाल के साथ भी चलेंगे। ये आज चने की दाल बनाई है भैया। वाह वाह, ये देखो छोले की दाल भाई, ये लो बढ़िया अच्छे से चला के दाल, ये देखो जी दाल भैया हमारी रोज चेंज होती रहती है। अच्छा, ब्लैक दाल भी बनती है भैया? ब्लैक भी बनती है, मां छोले की भी बनती है, और मूंगी मछली की भी बनती है, और चने की रहती है, चार तरीके की दाल रहती है। और आगे दिखाइए भैया क्या सब्जी है। और ये अपने पास आ गया भैया शाही पनीर, ये देखो भाई असली चीज शाही पनीर, बहुत ही कमाल का यार, और ऑलमोस्ट ये भी खत्म होने वाला है, और एकदम गाढ़ी ग्रेवी है, बहुत बढ़िया, ये आ गई भाई न्यूट्री, और एकदम गाढ़ी न्यूट्री है, बहुत ही कमाल की।
ये भैया यहाँ पे और कोई नहीं यूज करता, हम ही बनाते हैं ऐसी न्यूट्री। ये पतंजलि की स्पेशली हम मंगाते हैं। पतंजलि की न्यूट्री मंगाते हो? पतंजलि की न्यूट्री होती है, और कोई नहीं यूज करता यहाँ पे, और लोकल ही यूज करता है। एक मैंने और सुना भैया 70 रुपए से शुरू होती थाली अपने पास। सत्तर में क्या देते हो आप भैया? 70 लगा के दिखाओ। लगा के दिखाओ भैया। तो इधर अंकल जी भी आ गए। अंकल जी नमस्कार जी। अंकल पूरा बिजी है अभी। एक कड़ी चावल की प्लेट लगा रहे हो आप? कड़ी चावल लगा रहे हैं। ये कड़ी चावल की प्लेट लगा रहे थे अंकल जी। और यहाँ पे ना ऊपर छत येलो, उसकी वजह से आपको येलो टोन आ रही है। जो फूड का कलर है वो बहुत ही कमाल का है जी। दीपिन भैया लगा के दिखाइए। ये भैया आप नॉर्मल थाली लग रही है, 70 वाली ये लग रही है जी। नॉर्मल 70 रुपए वाली थाली, प्याज के ऊपर आ गई हरी चटनी, चटनी अपनी, धनिया पुदीने। वाह। और सारा सामान भैया घर का बना हुआ अपना ना? ये आ गई अपनी दाल, ये आ गई जी येलो दाल भाई। ये जो लास्ट पेठा था ना वो अपने पास यह है, ये आ गया जी पेठा बीच में, बहुत ही बढ़िया। 70 रुपए में दो सब्जियां भैया? जी भैया दो सब्जी। क्या बात है, दो सब्जियां और ये देखो पांच चपाती। जी भैया बंदे का एक पेट तो भरना ही चाहिए भैया कम से कम। भाई पांच रोटी तो मोर देन इनफ है जी भैया। और ये देखो पांच तवे की रोटी, और वो भी चौपड़ के, बहुत बढ़िया। थाली चेक करो 70 रुपए की है। इसके बाद कौन सी थाली अपने भैया? इसके बाद अपनी स्पेशल थाली आ जाती है जी, वो भी लगा के दिखा, वो लगा के दिखा दिए। हमने तवे पराठे, तंदूरी रोटियां लग रही हैं इधर, छोले कुलचे वगैरह लग रहे हैं। भैया आप लगा के क्या दे रहे हो हमें? भैया आप हमें स्पेशल थाली लगाने को। ये लग रही है भाई यहाँ की स्पेशल थाली। ये 100 रुपए की है भैया? हाँ जी भैया 100 रुपए की थाली भाई। और चेक करो क्या क्या आएगा इसमें। ये आ गया भैया अपनी चने वाली दाल। ये आ गई भाई चने वाली दाल। दाल के साथ भैया चॉइस रहेगी? भैया दाल की जगह भी चॉइस रहती है, कड़ी डलवा सकते हो आप, राजमा डलवा सकते हो। ये आ गया अपना शाही पनीर। और ये आ गया भाई शाही पनीर, और पनीर की रंगत चेक करो बहुत ही कमाल की है, एकदम गाढ़ा पनीर है, रेस्टोरेंट स्टाइल वाला। और दाल पनीर और एकदम ठंडा रायता। पराठे रहते भी अपने तवे वाले, वो कितने के रहते हैं भैया? और 30 से शुरुआत हो जाती है। ठीक है। और बाकी अलग अलग रेट है सारे तरीके के। 30 रुपए में अकेला पराठा देते हैं, कोई साथ देते हैं? अकेला पराठा और तवे चटनी। ठीक है। ये देखो जी ये आ गई, इसके अंदर भी 5 रोटी आएगी। जी भैया इसके अंदर भी 5 रोटी आएगी। वाह ये आ गई भाई 5 चपातियाँ, रायता आ गया, पनीर आ गया, और भी आएगा भैया इसमें कुछ? हाँ भैया अभी राइस आएंगे। ओके ये देखो यार राइस भी आ गया आपको, और मेरे हिसाब से तो भाई एक बंदे के लिए मोर देन इनफ है जी भैया। और दाल इसमें हम दोबारा ले सकते हैं जी भैया। ये देखो जी थाली लग के तैयार है, 100 रुपए की है ये थाली जी भैया। वाह। और अगर राइस ना लेने हो फिर भैया? भैया वो 90 के रहते हैं, उसमें चपाती 5 रहती है। तो थालियाँ दिखा दी यार आपको सारी लगती होगी यहाँ पे आंटी। पराठा लगा रहे, कौन सा पराठा लगा रहे हो अभी? आलू प्याज का बेटा। आलू प्याज का पराठा लग रहा है, और तवे का पराठा, तंदूरी भी रहता है अपने पास? तंदूरी भी रहता है, तवे का भी रहता है। तंदूरी पराठा ही मिल जाएगा, तवे का भी मिल जाएगा। और ये देखो बढ़िया एकदम घर जैसा ना, अगर आप अकेला पराठा खाना चाहते हो, थाली नहीं खाना चाहते, वो भी यहाँ मिल जाएगा। आंटी आप कब से लगा रहे हो यहाँ पे, मतलब कितने साल पुराने? 3 साल हो गए यहाँ पे। सिर्फ 3 साल हुए पर जो प्यार दे रहे हैं इस एरिया में, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे अपना लंच एंजॉय करने। और मेरे को लगता फूड तो 3:30 बजे तक खत्म, बस बस खत्म ही है, लास्ट 3:30 बजे तक यार खत्म हो जाता है। और ये पराठा देखो लग रहा है, फिर आपको आगे दिखाता हूँ तंदूरी, अमृतसरी कुलचे भी अपने पास? हाँ जी अमृतसरी कुलचे भी दिखाता हूँ भाई आपको लगते हुए। ये देखो ये सामने अमृतसरी कुलचा लग रहा है, वाह ये आ गया तंदूर में से कुलचा बाहर। ये देखो जी बढ़िया से बटर लगा के अमृतसरी नान हो गया तैयार, वाह। और ये केला आलू वाले तो भैया आलू प्याज मिक्स होता है? आलू प्याज मिक्स चलता है भाई। तो ये लग रही जी आगे स्पेशल थाली, ये आगे जी चने की दाल जो आज स्पेशल बनी हुई है, और दाल रेगुलर चीज होती है ना भैया? और फूड देख लो यार अभी तक राजमा भी खत्म हो गया ना? राजमा खत्म भैया, वो भी आई खत्म हो गया अभी, हमें आया आधा घंटा हुआ है। राजमा बाकी पेठा ये सब आइटमें खत्म हो चुकी है, अप्रोक्सीमेटली खत्म है दो। बस इसके बाद एक थाली और लगी है ना? हाँ एक थाली और लगी। ये आ गया भैया अपना रायता, ये आ गया भाई एकदम भंडा रायता बढ़िया, वाह। ये आ गया भाई थोड़े से राइस, और ये आ गई भाई 3 चपाती एकदम बढ़िया घर का फुलका। और ये कितने रुपए की देखे भैया हम थाली? ये 100 वाली थाली है। वाह तो भाई थाली लग के अपनी तैयार है, रायता थोड़ी सी न्यूट्री भी ले ली मैंने, पनीर ये साथ में दाल येलो राइस सलाद, और आएंगी 3 चपातियाँ। रोड साइड हम बैठे हैं, बिल्कुल पास में रोड है। रोड पे ना मैंने इतनी आइटमें, मतलब 20+ आइटमें, छोले भटूरे, छोले कुलचे, राइस, चपातियाँ, मतलब क्या क्या आइटम है इनके पास। सर्दियों में सरसों का साग, मक्की की रोटी भी होती है। ये चीजें देख के रहा हूँ एकदम घर जैसा माहौल है, पूरी फैमिली मिलके चला रही है। ये थोड़ी सी न्यूट्री ली है, जितने भाई यहाँ पे खा रहे थे ना सबने बोला कि न्यूट्री कुलचे के हम फैन हैं, तो मैंने कहा न्यूट्री के साथ चपाती भी खा के देखते हैं। तो पहले न्यूट्री के साथ ट्राई करते हैं। न्यूट्री क्या है यार? ये सोयाबीन की है। न्यूट्री प्रॉपर सब्जी वाली है, तो जो हम कुलचे के साथ न्यूट्री खाते हैं ना वैसी नहीं है, सब्जी वाली न्यूट्री है। जैसे आप लगा लो आलू मसालों की बनाया हो, उसकी जगह आलू की जगह आप न्यूट्री डाल दो तो ऐसा फ्लेवर बनेगा, बढ़िया मसाले वाली न्यूट्री है। रोटी कितनी पतली है ना, फुलका नरम बिल्कुल। तो जो यहाँ पे खाने वाले कस्टमर्स है ना रोज खाते हैं, भैया आप भी रोज खाते हो? और भैया ने बताया था पराठे रोज फेवरेट टाइम के आलू पराठे यहाँ के। और ये देखो जी ये आ गया पनीर,
शाही पनीर। ओहो ये भाई नगीना चीज़ है, यहाँ पे आओ यही वाली थाली लगवाना और ये ज़रूर खाना। इतनी स्मूथ टेक्सचर वाली ग्रेवी है ना इसकी, 70 रुपए में थाली मिल जाएगी, 100 में मिल जाएगी, पॉकेट पे इजी है। और पूरी फैमिली मिलके मेहनत कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया खाना खिला रही है, अच्छा खाना खिला रही है लोगों को। अगर आपको भी खाना तो आओ यहाँ पे, लुधियाना मेट्रो रोड है जमालपुर में, देसी स्वाद नाम से दुकान है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। और मिलते हैं भाई अगली किसी बढ़िया वीडियो में ऐसे ही बढ़िया बढ़िया खाना खाते हुए। तो भाई वीडियो हो गई है कंप्लीट, ऐसा लग रहा था मैं किसी ना रेस्टोरेंट में जाके बैठी हुई ना वहाँ पे घूम। अच्छा मजे की बात पता है क्या, आप लोगों ने अगर एक चीज नोट की हो, हम लोग काफी टाइम से ये फूड व्लॉग्स देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं वहाँ के खानों को, तो रेट का तो एक बहुत बड़ा पहाड़ जितना डिफरेंस है, उसको तो चले छोड़ देते हैं। लेकिन मैं अभी, आप जैसे किसी होटल में जाते हो तो आप सिंगल आइटम लेते हो, यार मुझे दाल चाहिए, मुझे सब्जी चाहिए या और चिकन चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए। लेकिन यहाँ पे थाली का हिसाब होता है ज्यादातर जगहों पे, और उसमें आपको मल्टी आइटम्स मिल जाते हैं, मिलते हैं थोड़ा थोड़ा, मतलब राजमा हो गया, न्यूट्री हो गई, इसके अलावा पनीर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, शाही पनीर है, फिर दालें हैं, सब्जी है, बहुत सारी चीजें, मतलब 2-3 आइटम्स जो है वो आपको एक थाली के प्राइस के अंदर जो है वो उसके जायके आपको चखने को मिल जाते हैं। अच्छा यहाँ पे सबसे बेहतरीन बात पता है क्या थी, ये पूरी फैमिली इसको मिलके जो है वो चला रही थी, लेकिन एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, इसके अलावा हमने और थालियाँ भी देखी हैं काफ़ी सारी, तो मुझे उनके कंपैरिजन में इनका रेट थोड़ा हाई लगा। हाँ। क्योंकि नॉर्मली हम जो देख रहे थे वो 60 रुपये थाली, 70 रुपये थाली या 50 रुपये थाली, लेकिन ये इनमें इनके पास भी 70 रुपये वाली थी, लेकिन एक जो शाही पनीर वाली थी वो 70 रुपये वाली, 100 रुपये वाली थाली थी। तो ऐसा मुझे फील आया, बाकी जो लोग वहाँ के हैं और जो इर्द गिर्द और इस तरह के जो ढाबे हैं वहाँ के, अगर रेट कंपैरिजन से आप लोग कमेंट में बताएगा क्या, या क्या ये बिल्कुल सही रेट थे या वाकई आपको भी लगा कि ये रेट जो है वो थोड़े ज़्यादा हैं। बाकी इनकी एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए भाई, किस तरह से ये पूरी फैमिली मिलकर जो है वो, ये होटल का काम ना मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है कि इसमें आपको छोटी से छोटी और बड़े से बड़ी चीज़ का ख्याल करना पड़ता है, फूड का टेस्ट, क्वालिटी, क्वांटिटी ये तो एक मैटर करती हैं, उसके अलावा टेस्ट आपको मेंटेन रख के चलना पड़ता है, फिर इतनी एफर्ट लगती है ना इसके अंदर, सारी बात है मल्टी आइटम्स को बनाना, उसकी प्रिपेयरिंग करना, और फिर पूरा पूरी फैमिली एक बिजनेस, और ये रोड साइड के ऊपर जिस तरह ये रोज अपना सेटअप स्टार्ट करना, अपना सेटअप क्लोज करके आना, मतलब एक बहुत ज्यादा एफर्ट वाला काम है यार। तो ये अप्रिसिएशन तो इन लोगों का बनता है भाई। अब्बू क्या कहते हैं, कीमत भी 19-20 का अगर फर्क हो तो वो थोड़ा टेस्ट की वजह से भी होता है, आप माल जितना लगाओगे उतने ही वो उसमें खर्चा आएगा। तो अब हम तो यहाँ दाल की प्लेट 120 रुपये की है, सिर्फ दाल की प्लेट ले लो और उसके साथ रोटियाँ हो, फिर आदमी खाने के बाद चाय भी पीता है, तो 200-250 रुपये का खर्चा आ जाता है एक वक्त के खाने का। ये दाल के साथ कुछ 150-200 का खर्चा आता है। अब आगे अगर हम कहीं और आइटमों में पहुँचे तो 300-350 रुपये भी आ जाता है, तो फिर भी सस्ता है भाई वो दूसरों के मुकाबले में। अब 100 रुपये में ये जो 5 रोटियाँ, तो मैं ये सोच रहा था मैं इतनी में सिर्फ 2 खा लूँ मुश्किल से, वो भी बहुत है। 7 चावल भी हैं, 7 चावल के साथ वो 3 रोटियां दे रहा था, और दाल आप चलो है दाल, हमें तो यहाँ पे भी दाल वो ग्रेवी बाद में मिल जाती है। तो बहरहाल अच्छी बात है, यानी घर के जितने लोग हैं वो एक ही काम में लगे हुए हैं। दूसरा वो जगह भी अच्छी खासी खुली है इनके पास, सेटअप बहुत अच्छे, कोई होटल नहीं है, सेटअप बहुत अच्छे, ढाबा है, मतलब ढाबा क्या है बस, वो ऐसा होता है ना, या मेरे मुल्क में भी उनके मुल्क में भी कि जहाँ जी चाह पड़ाव डाल ले, तो वो पड़ाव डालने के लिए भी फिर कुछ लो और कुछ दो वाली बातें होती है, तब जाके ऐसी जगहें मिलती हैं। ये तो गवर्नमेंट की जगहें हैं ना जी, किसी प्राइवेट हो तो वो तो किराया ले, गवर्नमेंट की जगहें तो भाई दोनों मुल्कों के आवाम का इतना माइंड सेट तो है कि जिथे आवे उथे ही बह जाओ,
देखी जाएगी, चलना चाहिए। हाँ देखी जाएगी। और की बेचे दिन आएगा तो उन वापस टोर भी देंगे इज्जत दे नाल, तो वो आते वाकई आते होंगे और फिर वापस टोर भी जाते होंगे। इधर भी यही हाल है, जहाँ मर्जी है लोग रोड पे चल रहे हैं, रोड पे ढाबे कर रहे, तो पूछने वाला कोई नहीं। हमें ये इस बात पे हम नहीं कह रहे कि ये कमा क्यों रहे हैं, या मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये होटल नहीं है, ये वो बस वो क्या कहते हैं कि जो होगा सो होगा। तो मुफ्त ये भी नहीं खड़े भाई, ये भी हमें पता है, किराया ये भी दे रहे होंगे, कोई आता होगा तो उसको चलता करते होंगे। बाज दफ़ा कुछ मोहल्ले के दादागीर ग्रुप भी एक होता है भत्ता, उसको भी खुश करते होंगे। तो बहरहाल सेटअप चलाने के लिए रोजगार चलता है, और ऐसा सेटअप जो ओपन एयर में या रोड साइड ट्रैफिक जो रोड साइड सेटअप जो होते हैं ना, उनको चलाना मतलब यूं समझ लें कि आपको हर तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के मसले मसाइलों को, इसके अलावा रोड साइड के, फिर कभी कोई वीआईपी मूवमेंट है उस तरह के मामलात, बारिश हो गई उस तरह के मामलात, गर्मी बहुत ज़्यादा है उस तरह के मामलात। मतलब एक दुकान होती है ना, आपको पता है जो सामान जहाँ रखा है वहीं रखा हुआ है, मैंने सुबह आना है खाली सफाई करनी है, अपना काम शुरू करना है, रात में शटर डाउन करना है, चला जाना है। लेकिन इस तरह के कामों में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपको घर से प्रिपेयरिंग करके सारा सामान अपने साथ लाद के लाना है, उसके बाद अपना पूरा सेटअप रेडी करना है, उसके बाद बंद करते हुए पूरा सेटअप क्लोज करके और फिर जाना, आपकी मेहनत डबल ट्रिपल हो जाती है। तो फिर ये जाहरी बात है, इसीलिए बहरहाल वो जिस तरह भी वहाँ खड़े हुए हैं, रेंट देते हैं नहीं देते हैं, जो भी मामलात हैं वो तो वो खुद ही बेहतर जानते होंगे, हम क्या अंदाजे लगाएं या जो भी है। लेकिन हमारे मुल्क इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, रोड साइड पे जितने भी ठिए चल रहे होते हैं या जो भी चल रहे होते हैं, वो इसी तरह गवर्नमेंट के जो बंदे जो हमारे यहाँ पे केएमसी या केडीए के डिपार्टमेंट हैं जो इस तरह के लोगों को हैंडल कर रहे होते हैं, तो वो उनकी मिली भगत से ये सारे काम चल रहे होते हैं, क्योंकि जहाँ आवाम के चलने की जगह है वहाँ पे ठिया खड़ा हुआ चल रहा है। तो फिर जाहरी बात है वो रास्ता बंद हो गया ना, तो फिर वो वहाँ जाकर खड़ा हुआ तो कानूनी तौर पर जायज़ नहीं है, नाजायज़ खड़ा हुआ है, तो वो खड़े होने का कुछ ना कुछ मुआवजा दे रहा है वहाँ पे, या मुआवजा दे रहा है या फिर वो इन इदारों की कारदगर्दगी का पता चलता है। जब आप रोड पे ऐसी चीज़ें देखते हैं ना, तो आप उस मुल्क की कारगर उस मुल्क के इदारों की, जैसे पुलिस हो गई और केएमसी वगैरह जैसे जो भी होते हैं, तो पता चलता है कि ये कितने काम करने वाले लोग हैं। बिल्कुल, चलें जी, खैर वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ, खुदा हाफिज़।